सफिया खाना अंदर भिजवा दो। रहने दे भाई, आप खाना खा रहे, मैं बाद में खा लूंगी। अपने दफ्तर में अगर लोन की बात करनी है तो अभी कर लो। बुशरा का फोन आया था, वो तारीख मांग रही है। मैं सोच रही हूँ अगले महीने की कोई तारीख दे दो। बस ये लड़की जितनी जल्दी इस घर से चली जाए नहीं बेहतर है। मैं इसे और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। नहीं अम्मी, लोन नहीं लेना पड़ेगा, सब कुछ इंशाल्लाह हो जाएगा, आप फिक्र ना करें। लेकिन हमें शादी तो उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक करनी होगी। अफिया, जैसे आजकल नॉर्मल शादियां हो रही हैं ऐसे ही करेंगे हम लोग। अब उनके स्टैंडर्ड के मुताबिक 5-स्टार होटल बुक तो नहीं करा सकते। हाँ हाँ, हम उसी तरह से करेंगे शादी जिस तरह के हमारे हालात हैं। बस एक बार इज्जत से, खैर खैरियत से लड़की अपने घर की हो जाए और किसी बदनामी का सामना ना करना पड़े। उसे सौ दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन न सका। जो आंखों में थी मेरे आंसुओं की तरह बिखरी, वो ख्वाहिशें चुन न सका। आप लोग कहीं जा रहे हैं क्या भाभी? हाँ हैदर भाई, क्या खाने पे? तुम्हारे ससुराल। क्या हुआ? आप अम्मी को मना नहीं कर सकती, उन्हें कहें एटलीस्ट मुझे मेरे फाइनल एग्जाम्स तो देने दें। अम्मी को तो मैं जैसे तैसे करके समझा लूंगी, लेकिन भाई नहीं मानेंगे। तो भाई को आप मना लेना। देखो तुम्हें ना इस शादी के लिए अब जहनी तौर पे तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि मैं कितनी भी मिन्नत समाजत कर लूँ तुम्हारे भाई नहीं मानेंगे आप। अच्छा बात सुनो, बस ये शर्ट हैंग कर देना और ये दुपट्टा प्रेस कर दो। देर हो रही है, ये मैं खुद ही हैंग कर लेती हूँ, तुम दुपट्टा प्रेस कर देना। देर हो रही है, मैं अम्मी को देखूँ क्या कर रही है वो। कहाँ जाती रही हो उस लफंगे के साथ? कहीं नहीं जाती थी मैं, हाथ छोड़े प्लीज मेरा। कहीं नहीं जाती थी तो
घर बैठे ही हो गया ये चक्कर, हाँ? इस लड़की जितनी जल्दी इस घर से चली जाए नहीं बेहतर, मैं इसे और इस घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती। हो गया दिलनशी, कहाँ गुम हो तुम? I'm so sorry भाभी, मैं क्या हुआ? कुछ नहीं, देर हो रही है ना, तैयार हो जाए, यावर आने वाले हैं। पर तुम चीखी क्यों? मुझसे भाभी का दुपट्टा जल गया। कोई काम तो ढंग से कर लिया करो, तुम कोई दूसरा जोड़ा निकाल कर पहन लो, जाओ। जी। जिसने माँ का दिल जलाकर राख कर दिया हो उसे दुपट्टा जलने पर क्या कहा जाए? खड़ी क्यों हो? जाओ, अब शक्ल गुम करो अपनी, जाओ। इसका ध्यान ही नहीं है किसी चीज में, इसे कोई काम मत कहा करो, कोई और कपड़े निकाल के पहनो। अम्मी यावर आ गए हैं, देर हो रही है, जल्दी करें। मिठाई लेकर आया वो? हाँ, टेबल पर रखी है। अच्छा, चलो उठो, तुम्हें फरहत के घर छोड़ना है, उठो। अम्मी मैं घर पे ही रुक जाऊं? हरगिज नहीं, मैं तुम्हें अकेले घर में नहीं छोड़ के जा सकती, चलो। अरे अम्मी रहने देना, उल्टा रूट पड़ेगा हमें। तो यावर को भी क्या जरूरत थी आज दफ्तर जाने की? अच्छा सुनो, दरवाजा बंद रखना, कोई भी आए तुमने दरवाजा नहीं खोलना, हम आने से पहले तुम्हें फोन कर देंगे, ठीक है? मुंह से फूटो। जी ठीक है, चलो आओ, दरवाजा बंद करो। नहीं ना, ठीक नहीं लग रही मुझे ये बात। गाड़ी रोके, मिठाई का डिब्बा तो मैं घर पे ही भूल आई। हैं? यार माफिया हद है यार। अब थोड़ी सी दूर तो आए हैं, मोड़ लेना यहाँ से। देखने आया हूँ, तुमसे मिलने आया हूँ, तुमसे बात करने आया हूँ। मुझे नहीं करनी कोई बात, चला जाऊंगा, पहले तुम्हें देख तो लूं। तुमसे प्लीज चले जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा। नहीं आएंगे यार, मेरे सामने तुम्हारे घर वाले कहीं। कैसे सकते हो, प्लीज चले जाओ यहाँ से, कोई आ जाएगा प्लीज। नहीं आएगा दिलनशीन, क्या हो गया? दिलनशीन यावर भाई, डॉक्टर तुम बाहर बाहर निकलो, बाहर निकलो, बाहर निकलो, ध्यान से, ध्यान से, रिलैक्स करो। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं दिलनशीन, कुछ नहीं होता हूँ ना, मैं काम करता हूँ, वॉशरूम में चलता हूँ। उधर वॉशरूम नहीं है, देखो तुम जाओ, जाओ। ओह
मिठाई यहाँ पड़ी हुई है। दो डब्बे थे या एक डब्बा था? ख्याल है एक डब्बा था। दरवाजा बंद कर लेना अंदर से। नशीन जा चुके हैं यार। नशीन तुम रो रही हो? अच्छा प्लीज जाओ यहाँ से, चले जाओ। तुम्हें रोता देखकर मैं अपसेट हो जाता हूँ, कैसे चला जाऊँ? तभी तो कह रही हूँ कि ना तुम यहाँ होगे और ना मुझे रोता हुआ देखोगे, चले जाओ। तुम्हें ऐसे रोता छोड़ के तो हरगिज नहीं जाऊंगा। मेरे नसीब में रोना लिख दिया जा चुका है उसे। इस नसीब को बदलने के लिए मैं हूं ना दिलाशी। अच्छा चलो दो जाके मुंह धो, हम कहीं बाहर चलते हैं। मुझे नहीं जाना कहीं। ओके ठीक है, अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो मैं भी यहां से कहीं नहीं जाऊंगा। पता है मेरे घर वाले कहां गए हैं? मेरे ससुराल। हाँ कर दी तुमने। हाँ कर दिया तुमने। ना के काबिल नहीं हूं। इतनी जल्दी हार क्यों मान रही हो यार? तुम्हारे साथ हूं ना? नहीं है मुझे किसी के साथ की जरूरत। नहीं पागल थी जो तुम्हारी बातों में आ गई। तुम्हारी अम्मी ने मेरे भाई और अम्मी की इतनी इंसल्ट की है, अंदाजा है तुम्हें? अंदाजा है, बिल्कुल अंदाजा है। लेकिन तुम्हें शायद मेरी मोहब्बत का अंदाजा नहीं। तुम मोहब्बत का नाम ना ही लो तो अच्छा है। मोहब्बत नहीं थी, सिर्फ पहलावा था। मगर अब हकीकत खुल गई है। क्या हकीकत खुल गई है? क्या हकीकत खुल गई है? तुम्हें मेरी मोहब्बत पे शक है? तुम्हें लगता है मैं इतनी आसानी से तुम्हें छोड़ दूंगा? यार छोड़ तुम चुके हो, इसलिए कह रहे हो कि अब चले जाओ यहां से। क्यों चला जाऊं? क्यों चला जाऊं? पता है कब से भूखा प्यासा तुम्हारे घर के बाहर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं कि शायद एक झलक मिल जाए तुम्हारी। कहती हो चला जाए। मोबाइल अलग बंद है तुम्हारा। कैसे कांटेक्ट करूंगा मैं? कैसे पता लगेगा मुझे कि तुम ठीक हो? फोन भाई ने तोड़ दी। कॉलेज भी नहीं जा रही होगी? मी ने पढ़ाई भी बंद करवा दी। क्या करोगे? शादी? शादी तो तुम्हारी सिर्फ मुझसे ही होगी। चलो भी निकाह कर लेते हैं। चलो 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 मेरा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी अम्मी ने जितनी इंसल्ट की है मेरी अम्मी और भाई की, उसके बाद मैं तुमसे छुप कर निकाह कर लूंगी?
ऐसा कभी नहीं करूंगी हमसा। तो तुम बताओ मैं क्या करूं? क्या करूं मैं? तुम मुझे बताओ कि मैं क्या करूं? मैं वो कर लूंगा। बोलो क्या करूं? भूल जा मुझे। मुझे धोखा नहीं दे सकती। यू कैन नॉट डू दिस टू मी। यू कैन नॉट नो दिलशी। बहुत सिंपल सी बात है लेकिन तुम्हारे बगैर मैं कुछ भी नहीं। मर जाऊंगा। प्लीज ऐसा मत कर। तो और क्या करूं यार? क्या करूं? तुम अपने घर वालों से कहो ना मेरे घर आके माफी मांग के मेरे मियां भाई से और मेरा रिश्ता भी मांग ले। ऐसा ही करूंगा। लेकिन क्या तुम्हारे घर वाले मान जाएंगे? भाभी को मनाने की कोशिश करूंगी और लेकिन तुम भी अपने घर वालों को मनाने की कोशिश करना ना प्लीज। मैं कोशिश नहीं करूंगा। मेक श्योर करूंगा। लेकिन जब तक वो नहीं आते तुम अपना ख्याल रखना। तुम प्लीज जाओ ना और अब तभी आना जब तुम्हारे घर वाले हैं वरना भूल जाना मुझे। मैं दिलनशीन मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि वो आएंगे आएंगे। प्लीज परेशान मत हो यार। ट्रस्ट मी। अच्छा चलो बाहर चलते हैं मूड बेहतर हो जाए। तुम्हारा दिमाग खराब है हमजा। हम बाहर जाएंगे और इतनी देर में अगर अम्मी और भाई आ गए तो हम उनके वापस आने से पहले आ जाएंगे यार। आई प्रॉमिस। माशाल्लाह से आपका बहुत बहुत खूबसूरत घर है। एक एक चीज इतनी खूबसूरत है और इतने सलीके से आपने इस्तेमाल किया है कि लगता है आपको बहुत शौक है। शुक्रिया बहन लेकिन इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है। ये घर हैदर ने डिज़ाइन किया खुद और तमाम चीज़ें भी इसी की पसंद की हैं। ये तो बस सिलेक्ट करता जाता था और मैं हाँ कहती जाती थी। अच्छा माशाल्लाह। बस जिस तरह इसने ये घर बनाया है अल्लाह इसकी दुल्हन के हाथों इसे बसाए भी। आमीन आमीन। वैसे बता दूं आपको कि मेरी बहू जब आएगी ना इंशाल्लाह उसकी जो मर्जी जिस तरह चाहे घर सजाए जैसे मर्जी जो चीज़ जहाँ रखे किसी बात की रोक टोक नहीं होगी। और बहन मैं आपसे एक बात कह दे रही हूँ जहेज के नाम पर मैं सुई तक नहीं लूँगी। अल्लाह का दिया सब कुछ है किसी चीज की जरूरत नहीं। बस आप तारीख दे दें शादी। वो सारा बता रही थी मुझे कि दिलनशीन के पेपर्स होने वाले हैं। क्लियर कर ले तो फिर उसके बाद। तो बेटा इस घर से भी पढ़ सकती है यहीं से एग्जाम्स दे देगी। भाई मैं ज्यादा देर रखने के हक में नहीं हूँ। जितना जल्दी हो जाए अच्छा। मैं तो कह रही हूँ अगले हफ्ते मंगनी कर लेते। मैं तो सारा से ये कह रही थी कि शादी के बाद लड़कियों को ये पढ़ाई वढ़ाई के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। बस फिर अपना घर बार संभालें अपने शौहर की देखभाल करें। भाई आपने तो मेरे दिल की बात कह दी। बस तो फिर इंशाल्लाह अगले हफ्ते मंगनी उससे अगले महीने शादी। ठीक है ना बेटा? मुंह मीठा कराओ सबका। जी सारा Thank you.
इतना रिस्क लेके तुमसे मिलने आया हूँ। मेरी जिंदगी खराब है और तुम मुझसे कह रहे हो कि मैं अपना मूड ठीक करूँ। मैं अजाब में हूँ हमजा, डोंट यू अंडरस्टैंड? एक बार तुम मेरी हो जाओ, सारे अजाब दूर हो जाएंगे। तुम्हें जिंदगी की हर खुशी दूंगा, तुम्हारी आंख में कभी आंसू नहीं आएगा, आई प्रॉमिस। प्लीज इस वक्त मुझे घर छोड़ दो, मुझे घर जाना है। क्या बात कर रही हो यार, अभी तो बोलो खाना खा के भी नहीं आए होंगे। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मेरे पेरेंट्स खुद आएंगे तुम्हारे घर माफी मांगने, ओके? प्लीज अभी घर छोड़ दो, अगर अम्मी और भाई वापस आ गए तो बहुत मुसीबत हो जाएगी, अभी घर छोड़ दो। रिलैक्स, तुम कहो तो मैं खुद उनसे बात कर लेता हूँ। तुम्हारे बात करने से क्या होगा? मैं उनको यकीन दिलाऊंगा कि मेरे घर वाले आएंगे रिश्ता लेके और वो इस रिश्ते से इनकार कर दें, और क्या? तुम्हें लगता है कि जितनी इंसल्ट तुम्हारे पेरेंट्स ने मेरी अम्मी और भाई की है, तुम्हारी बात करने से वो मान जाएंगे? हाँ शायद, अगर तुम्हारे पेरेंट्स खुदा के बात करें तो कुछ हो जाए। वो करेंगे पक्का, यू ट्रस्ट मी? स्माइल प्लीज। बहन थोड़ा सा खाना दिलनशीन के लिए भेज रही हूँ। नहीं नहीं, इसकी क्या ज़रूरत थी, वो यूँ भी खाना खा चुकी होगी। खा चुकी होगी तो ये भी चख लेगी, अब वो सिर्फ आपकी नहीं मेरी भी बेटी है भाई। जाओ गाड़ी में रखवा दो, और खाली खाना भेजते हुए बुरा लगता है, ये एक छोटा सा तोहफा उसके लिए। इसकी ज़रूरत नहीं है, अभी तो मंगनी की रस्म भी अदा नहीं हुई और हमारे यहाँ इस किस्म की कोई रस्म नहीं है। ये रस्म नहीं है बहन, ये मेरा प्यार है, ये मेरी तरफ से। आप ये रहने दें आप। हाँ भाई, एक छोटा सा तोहफा मेरी तरफ से। बहुत शुक्रिया आपके आने का, और उसे बहुत प्यार मेरी तरफ से। चलें अब मेरा ख्याल। जी आइए। लो, देख लो अभी तक कोई भी नहीं आया, तुम ऐसे ही बस पैनिक करती हो। तुम्हारे इसी कॉन्फिडेंस की वजह से हम आज ये दिन देख रहे हैं। पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे इस बात पे पक्का यकीन है कि तुम्हारी शादी सिर्फ मुझसे होगी। ये यकीन बहुत जल्द ख्वाब में तब्दील हो जाएगा। आज उसकी बुनियाद रख दी होगी उन लोगों ने। यार क्यों इस वक्त ये बातें कर रही हूँ? क्योंकि यही सब कुछ निकल रहा है मेरे दिल से। तुम जाओ हमजा प्लीज। मैं तुमसे कांटेक्ट कैसे करूंगा? हमें कांटेक्ट करने की जरूरत नहीं है, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। दिलशीन, ये जो तुम्हारी आवाज है ना, इससे हिम्मत मिलती है मुझे। मेरा फोन रखो, कांटेक्ट करना। मुझे ही नहीं चाहिए, अब जो कांटेक्ट करेंगे वो तुम्हारे पेरेंट्स करेंगे। यार वो करेंगे कांटेक्ट, लेकिन तब तक हम बात तो करेंगे ना। नहीं हमजा तुम प्लीज जाओ, मुझे ये नहीं चाहिए, जाओ। रखो ये, क्योंकि अगर तुम ये नहीं रखोगी तो मैं वापस नहीं जाऊंगा। ख्याल पेट्रोल खत्म हो गया, सामने तो घर, पैदल चलते।
दिलनशीन सो गई होगी, चाबी है ना तुम्हारे पास? दिलनशीन जी आ रही हूँ। दिलनशीन जी अम्मी जी 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 कहाँ थी तुम, कब से दरवाजा पीट रहे? वॉशरूम में थी मैं। तुम्हारी सास ने ही खाना भेजा है, खा लेना। जी जी मैं किचन में रख देती हूँ। ऐसे अच्छी फैमिली थी, लड़का अच्छा है हैदर। उसे सात दफा पुकारा है दिल ने, मगर मेरे दिल की बात वो सुन ना सका। तुम हाथ थाम लो, देखना सारे ख्वाब पूरे कर दूंगा तुम्हारे। शुरू हो गई तुम्हारी डायलॉग बाजी। डायलॉग नहीं बोल रहा हूँ, सच कह रहा हूँ। एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनूंगा मैं, इस शहर का सबसे बड़ा आर्किट है। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाऊंगा, कॉलोनीज बनाऊंगा और नाम रखूंगा तुम्हारे नाम पे। नेमल आर्किड, नेमल कॉलोनी। बस 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 बस, तुम्हारी इन बातों से पेट नहीं भरता, भूख लगी है मुझे, जल्दी चलो। बताओ क्या खाओगी, वहाँ चलते। ना हाँ, पूछ तो ऐसे रहे जैसे किसी 5-star होटल में ले जाओगे। तुझे चाहना मोहब्बत से मिलना, तुझे अभी मुझे में वो लगन बाकी तो है, ये बेइंतहा तेरे बिन सुलगना मेरा, मेरी सांसों में अगन बाकी तो कहाँ से आई है मिठाई? आपकी चची के घर से। आपके कजन की बात पक्की हो गई और तारीख भी तय हो गई है। आप सो रही थी इसलिए मैंने आपको उठाया नहीं। आपकी चची भी गाड़ी में थी। बाहर फेंको इसे। अच्छी तरह जानती हो ना, इस घर में मिठाई कोई नहीं खाता। बेगम साहिबा, मैं अपने साथ ले जाऊं इसे? ले जाओ, जाओ यहाँ से। मुबारकबाद नहीं दोगी मुझे?
अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम दिलनशी के फ्रेंड्स हैं और उससे मिलने के लिए। अंदर आइए। आप लोग बैठे, मैं दिलनशी को बुला के लाती। ठीक है। श्योर। अम्मी, वो कॉलेज से फ्रेंड्स आई हैं दिलनशीन से मिलने। कौन है? रिदा? नहीं, रिदा तो नहीं है उनके साथ। कह दो दिलनशीन घर पे नहीं है। लेकिन मैं तो उनको अंदर बिठा चुकी। क्यों? मुझसे पूछ तो लेना था। जाओ, कह दो उसकी शादी तय हो गई है, अब वो कॉलेज नहीं आएगी और ना ही सहेलियों से कोई ताल्लुक वास्ता रखेगी। अम्मी, कितना बुरा लगेगा, क्या सोचेंगी वो। तुम्हें बुरा लगा था? तुमने सोचा था जब कॉलेज के बहाने तुम आशिकी का सबक पढ़ने जाती थी? आहिस्ता बोले अम्मी, सुन लेंगी। अरे सुनती है तो सुने, इसके माशूक का पैगाम लाई होंगी। मैं तुम्हें बता रही हूँ आफिया, इन सब लड़कियों का चक्कर चल रहा होता है और ये हम बेवकूफ माँ बाप जो अपनी बेटियों पर अंधा एतमाद करते हैं। जाओ, कह दो वो नहीं मिल सकती। बल्कि रुको, मैं खुद ही कह देती हूँ। रहने दे, मैं खुद जाके कह दूंगी और ये भी कह दूंगी कि मेरी शादी हो रही है, अब नहीं आऊंगी मिलने। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की, जो बात करनी होगी वो मैं खुद करूंगी। तुम चुप करके यहाँ बैठो, बस बैठो। अब जाके क्या कहेंगी? परेशान मत हो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। कैसे आना हुआ? आंटी, हम दिलनशी के दोस्त हैं, उससे मिलने आए थे। उसने सारा कॉलेज आना बंद कर दिया और उसका फ़ोन भी बंद है। उसकी शादी तय हो गई है, वो कॉलेज नहीं आएगी। तो क्या वो फाइनल एग्जाम नहीं देगी? नहीं। आंटी, क्या हम उससे मिल सकते हैं? वो सो रही है, फिर कभी मिल लेंगे। तो उसका फोन क्यों बंद है? उसका फोन खराब हो गया। अच्छा आंटी, तो फिर हम चलते हैं। खुदा हाफिज़। बात सुनो, उसकी एक दोस्त है रिदा, वो नहीं आई? ओ हाँ आंटी, आप प्लीज़ एक काम करेगा, दिलनशी को मैसेज दे दीजिएगा कि वो रिदा को कॉल कर लें, आई थिंक उन्हें कोई ज़रूरी बात करनी है उससे। तो फिर मेरा एक पैगाम तुम लोग रिदा को दे देना, दिलनशीन की शादी बहुत बड़े घर में तय हो चुकी है, अब ना वो कॉलेज आएगी और ना किसी से मिलेगी। जी ठीक है आंटी, सही है। ठीक है आंटी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हमजा, इतना लेट कहां से आ रहे? मुझे नहीं पता कि मैं कहां हूं, किधर हूं, क्या कर रहा हूं, ये भी नहीं पता। लेकिन आप मेरी तकलीफ नहीं समझ पा रहे, बस ये पता है। तुम फजूल की जिद कर रहे हो, बस। जिद नहीं है, जिद नहीं है डार। प्लीज डार, प्लीज आप प्लीज मेरी कंडीशन को समझिए और मेरी सिर्फ एक बात मान लीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है प्लीज। अगर बात दिलनशी की है तो मैं कोई बात सब बात आपके बेटे की है डैड, प्लीज।
बोलो। डैड आप प्लीज गुस्सा मत कीजिएगा, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि आप दिलनशीन के घर जाके उन लोगों से एक्सक्यूज। डैड प्लीज आई प्रॉमिस मैं जिंदगी भर आपसे कभी कोई ख्वाहिश नहीं करूंगा, ये मेरी जिंदगी की आखिरी विश समझ के प्लीज पूरी कर दीजिए। डैड मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, प्लीज If you love me, please do this for me. Please, Dad. मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर, मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने कोशिश की, ऐसा नहीं है कि मैंने सोचा नहीं है, मैंने सोचा है, मैं नहीं कर पा रहा हूँ। मैं कर जाऊँ तबाह हो जाऊंगा, प्लीज प्लीज Dad। सोच भी नहीं सकता कि वो किसी और की हो सकती है, सब कुछ खत्म कर लूंगा। हंसर जाके सो जा। गुड नाइट प्लीज। गुड नाइट।